शांत हो जाइए, संभालिए अपने आप को। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। मुझे पता था तुम जरूर आओगी सिया। आपका होना मेरी सबसे बड़ी ताकत थी, आप की वजह से मैं यहाँ हूँ। लेकिन आज मैं इतनी मजबूर हो गई कि आखिरी बार आपको देखने भी नहीं आए। संभालिए अपने आप में कुमारी साहब। शांत हो जाओ। जो चला गया वो वापस ना आ सके। अब तारा मैं और मारा तो ही सहारा है। संभाल तू भी अपने आप को। हमारे दुख में शामिल हुए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। मुझे लगता है कि मेरी माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उनको आराम करना चाहिए। चलिए कुमरानी साहब, मन ने अट्ठे कुछ ठीक न लग रहा है। मुद्दत के बाद तो तुम मेरे करीब आई हो, इतनी आसानी से तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा मैं। कठे जा रहा है, थारी माँ को थारी जरूरत। हर बार काली बिल्ली की तरह मेरा रास्ता मत खड़ा कर। कुछ काम है मुझे, हट। कुरानी साहब, मन ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वनराज दिखावा कर रहा है? मतलब मन में उसका व्यवहार ठीक ना लग रहा है। खैर ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले हमें घर चलना होगा। मन में किसी अनहोनी का अंदेशा हो रहा है, और अगर मोहिनी घर वापस आ गई तो घनी गड़बड़ हो जाएगी। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ सिया।
तुम मेरे करीब रहोगी तो ठीक तो अपने आप हो जाऊंगा ना मैं। अंदाज मेरा हाथ छोड़ो। छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा मैंने हाथ। बदतमीजी मत करो वनराज, हाथ छोड़ो कुमरानी सा का। मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं अपनी सीए से बात कर रहा। आप चाहिए ऐसे कैसे? मैं सिर्फ और सिर्फ अपने राम की हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी पे ध्यान दो और अपने पिता के जाने के बाद अपना परिवार संभालो, समझे? तो तुम संभालोगी ना, जिम्मेदारी तुम निभाओगी ना, मेरी पत्नी बनकर बनोगी ना मेरी पीढ़ी। वनराज अपनी हद में रहो वरना जान ले लूंगी तुम्हारी। भूलो मत कि ये कुवरानी सा है हम सबकी अन्नदाता, हमारी देवी, कुंवर राम सिसोदिया की पत्नी कुवरानी सिया सिसोदिया। रानी साथी अब नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ मेरी सिया। मेरी सिया और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा। आप भी नहीं। गलती से भी गलती मत करना वनराज, माँ है ये मेरी। माँ? सासु माँ? राम सासु माँ? वनराज अपनी बकवास बंद करो और एक बात कान खोल के सुन लो तुम। मेरे मन में, सहन में, मेरी सासों में सिर्फ और सिर्फ राम बसता। और अगर उसके लिए मैं चुड़ैल का सर्वनाश कर सकती हूँ तो तुम सोच लो ना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी, समझे? बहुत फक्र है ना तुम्हें अपने प्यार पे सिया, तो ठीक है जब वो प्यार ही खत्म हो जाएगा तो फिर तो तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। क्यों? तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। माया, ये डीके और काली मिलकर दोनों मोहिनी को बेवकूफ बना रहे हैं। मतलब मदिरा जो कह रही थी वो सच था? ये टीके नहीं है, देव की टोकरी है, और ये काली नहीं सौतन है। के लिए कहीं चले जाओ तो पूरा घर हवा हो जाता है। राणा, काली, ठीक है, माया कहाँ है? सब कहाँ चले गए? सब
ही घर में आके मुझे डराने की जरूरत की जा रही है। स्वागत नहीं करोगी हमारा? आंख मिचोली खेलने का वक्त नहीं है मेरे पास। चुड़ैल का रास्ता रोकने की जरूरत की जा सकती है तो सामने आने में डर कैसा? अरे है हिम्मत तो दिखा अपना चेहरा। मुझे लग ही रहा था कि तेरी खुशबू रहेगी। मैं तेरी खुशबू से ही तुझे पहचान लिया था। तुझे पता है क्या, आज किस्मत बहुत अच्छी है मेरी। जो मांग रहा हूं मिल रहा है। आज मैं अपने प्यार के दूसरे कांटे को भी खत्म कर दूंगा। बाप मरा है तेरा, इसलिए हाथ नहीं उठा रहा हूं। बस एक सवाल का जवाब मांग रहा हूं, जवाब दे चला जाऊंगा यहां से। मुझसे सवाल करने का हक तुझे किसने दिया? हक उस दोस्ती ने दिया जो हर वक्त ढाल बनकर मेरे साथ खड़ी रही, हर मुसीबत से बचाया मुझे। तो जाके ये सवाल उसी से करना, मुझसे क्यों पूछ रहा है? कुछ सवालों के जवाब दोस्ती में नहीं मिला करते, इसीलिए जवाब ढूंढने बाहर आया हूं। इसीलिए कह रहा हूं एनर्जी वेस्ट मत कर, जितना पूछा उतना जवाब दे। काली तेरी क्या लगती है? काली क्या लगती है तेरी? अगर तुम दोनों का कोई भी रिश्ता है तो मुझे पता है, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊं। पता क्या लगती है तेरी? बोल। सच जानना चाहता है तू? सच जानना चाहता है ना? तो सुन, पति हूं मैं उसका। पत्नी है वो मेरी। क्या जानना चाहता है ना? तो सुन, पति हूं मैं उसका, पत्नी है वो मेरी। यही हम दोनों के रिश्ते का सच। I love you, Kali. पति पत्नी का रिश्ता है हम दोनों का। बहुत प्यार करता हूं मैं उससे। उसके लिए मैं किसी की भी जान ले सकता, किसी को भी मार सकता हूं, अपनी जान भी दे सकता हूं, अपने आप को भी मार सकता हूं मैं। बहुत प्यार करता हूं मैं उससे। तो वो तुझसे अलग क्यों है? महल में क्या कर रही है वो? मोहिनी को मारने गई थी वो। वो अच्छी तरीके से जानती है कि मोहिनी को मारने के लिए तुम्हारे अलावा कोई जरिया नहीं। तभी उसने तुमसे दोस्ती की, जिससे तुम मोहिनी को मारने में उसकी मदद कर सको। पर तुम्हारी दोस्ती उसके रास्ते का कांटा बन गई।
तुम्हारी दुख भरी कहानी में पिघल गई है वो। मुझे लगता है कि तुम लाचार हो, तुम बेबस हो। मोहिनी ने तुम्हें अपनी चाल पाल में फंसा रखा है। ओ तुम्हें बचा कर वो सिर्फ तुम पे एहसान कर रही है और कुछ नहीं। पर तुम बता रहा क्या इन सब के चक्कर में ना अपने मकसद से भटक। हर दिन मुझे डर लगा रहता है कि कहीं मोहिनी को सच पता लग गया उसका तो क्या होगा। मोहिनी बीबी को जान से मार देगी। तुमने देखा ना मैं कितनी बार उससे बात करने की कोशिश की मैंने, मेरी एक बात नहीं सुनती, पता नहीं क्यों। इसलिए मैंने सोचा कि अगर तुम्हें मार दूं तो शायद उसके पास जो एक वजह है, एक जरिया है, वो खत्म हो जाएगा मोहिनी को मारने का। उसके बाद मेरी बीवी मेरे पास आ जाएगी। हमेशा हमेशा के लिए वो मुझको मिल जाएगी। बोलो राणा, बोलो, इतनी पूरी कहानी सुनने के बाद क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? तुम मुझे मेरी बीवी लौटाओगी ना वापस? बता दोगे क्या राणा? मेरी बीवी वापस मुझे करोगे ना राणा? सच जानना चाहते हैं ना? तो सुन, पति हूं मैं उसका, पत्नी है वो मेरी। मदद करूंगा मैं तुम्हारी। मेरी वजह से अब और जाने नहीं जाएंगे। मैं वादा करता हूं तुम्हारी पत्नी तुम्हें जरूर वापस मिलेगी। राणा सुनो ना राणा, मेरे ये नए रावण की शुरुआत होगी। जब रावण सीता हरण नहीं करेगा क्योंकि राम खुद सीता को रावण के पास लेके आएगा उसकी लंका में। वार करने वालों की कोई औकात नहीं है मोहिनी के सामने, क्योंकि कुत्ते भी पीछे से भौंकते हैं। लड़ना है तो सामने आओ, फिर दिखाती हूँ तुझे रेत की दुल्हन को उकसाने का नतीजा क्या होता है।